नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हमने मंगा लिया है फायरबोट का निंजा कॉल प्रो प्लस स्मार्ट वॉच। तो आज के इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आती है फ्रेंड्स। तो यहां पे भी आपको फायरबोट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बॉक्स को ओपन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा वॉच कुछ इस तरीके से यहां पे रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हटाते हैं। ये है हमारा स्मार्ट वॉच फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसको पिंक कलर में मैंने मंगाया है और देखते हैं कि बॉक्स में हमको क्या क्या मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हटाते हैं। तो यहां पे देखिए, चार्जर यहां पे मिला है और ये हमारा स्ट्रेप है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल जो स्मार्ट वॉच का है फ्रेंड्स। आप इसके ऊपर भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है क्यूआर कोड वारंटी का, तो यहाँ पे वारंटी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉपिफाई का और यहाँ पे जियो सावन का मिल जाता है क्यूआर कोड। यहाँ पे आपको फायरबोट ऐप का क्यूआर कोड मिल जाएगा और रिडीम कोड, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बुक माई शो का भाउचर मिला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट से ज़्यादा जो एडाप्टर है उसको आप इससे चार्ज नहीं कर सकते इस स्मार्ट वॉच को। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो इसको रखते हैं इधर साइड में और देखते हैं अपने स्मार्ट वॉच में क्या क्या फीचर्स मिलती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके स्ट्रेप को लगाते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रेप यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे ये लग गया है, अब इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे ये लग गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए रैपर को हटाते हैं। तो देखिए, स्क्रीन कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको ऑन करेंगे ये दबा के फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे फायरबोट लिख के आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे आप वॉलपेपर को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो 6-7 तरीके के वॉलपेपर यहाँ पे दिए गए हैं और भी बहुत सारे वॉलपेपर आप ऐप से कनेक्ट करने के बाद लगा सकते हैं। इधर से आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है और एक बार यहाँ पे स्प्लिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो फीचर्स है वो यहाँ पे खुल जाएंगे। और इसकी स्क्रीन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्मूथली वर्क कर रहा है स्क्रीन, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ऊपर से स्क्रॉल करें तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे कॉलिंग फीचर आपको मिल जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाएगा, ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको माई कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऐप से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैटरी पावर मोड आपको मिल जाती है, ऑफ ऑन करने के लिए सेटिंग मिल जाती है। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, मैं एक एक करके सब आपको बता दूंगा, पहले आप देख लीजिए। नीचे से स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए मैसेज आप देख सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप फेसबुक का मैसेज आप देख सकते हैं, कोई भी मैसेज आएगा यहाँ से आप देख सकते हैं। इधर से आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जो आप क्विक व्यू में देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे हार्ट रेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एक्टिविटीज मिल जाएंगी, यहाँ पे SPO2 मिल जाएगा, स्लीप मॉनिटरिंग देख सकते हैं, वेदर का रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स आपको इसमें मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एक एक करके इसके सारे फीचर्स मैं बता देता हूँ। तो इधर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फीचर्स खुल जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेटिंग में जाके और मेनू व्यू को चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे सबका नाम लिखा है कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए मेनू व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जिसपे नाम वाम लिख के आए, तो ये वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगी, स्लीप मॉनिटरिंग मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाएंगी। तो अच्छे से मॉनिटर करता है क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो सेंसर है यहाँ पे जेन्युइन सेंसर के साथ आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है और यहाँ पे इसका स्पीकर है और यहाँ पे इसका माइक है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको ये सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आप हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, फोन कॉल्स को यूज कर सकते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइजेस जो रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं आप, उसके बाद SPO2 जांच कर सकते हैं, वेदर का फीचर आपको मिल जाता है। इसमें आप फेसबुक का व्हाट्सएप का मैसेज भी देख सकते हैं और यहाँ पे कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन का कनेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए अपने शरीर को। उसके बाद यहाँ पे AI वॉइस मिल जाता है, तो इसको अभी हम चेक करेंगे, फोन के साथ कनेक्ट करेंगे, कॉलिंग फीचर को भी टेस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइमर मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स जो सभी स्मार्ट वॉचेस में मिलते हैं आपको इसमें मिल जाते हैं और ये सभी वर्क करते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे देखिए अच्छे से वर्क करता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत आने वाली कोई बात नहीं है।
गेम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन तरीके के गेम भी आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं तीन चार तरीके के गेम भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको काटते हैं और यहाँ पे हम सारे फीचर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गेम के बाद हम देखें तो गेम के बाद सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग सबसे पहले मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्लीप का देख सकते हैं कि कितने देर के बाद आपका स्क्रीन बंद हो यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे 30 सेकंड इसको कर देते हैं। उसके बाद वॉच फेसेस को आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, वॉच फेस के बाद यहाँ पे मेनू व्यू आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर जो सबसे नीचे आपको रिस्ट राइज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो इसको बंद कर दीजिएगा तो हाथ को हिलाइएगा तो लाइट नहीं आएगी स्मार्ट वॉच में, लेकिन ऑन रखिएगा तो थोड़ा सा भी हाथ का मूवमेंट होगा तो यहाँ पे बटन दबाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइट अपने आप आ जाएगी। तो ये कई लोग पूछते हैं कि राइज टू वॉल का और रिस्ट राइज का ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग में मिल जाती है। उसके बाद वाइब्रेट एंड रिंग की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वाइब्रेशन मोड पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि कैसे आपको रखना है, वाइब्रेट करवाना नहीं करवाना है। डीएनडी का फीचर आपको मिल जाता है, लो पावर मोड का आपको यहाँ पे ऑन कर सकते हैं तो बैटरी कम खाएगी, यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिएगा। तो उसके बाद फोन कॉल्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे फोन के साथ। और ऑडियो साउंड को अगर आप अपने स्मार्ट वॉच में लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद ये फीचर ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फोन रीसेट कर सकते हैं, कोई फोन आपने लगाया है फोन कॉल्स यहाँ पे हिस्ट्री आ गई है तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं तो हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं और अपने स्मार्ट वॉच को रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अबाउट मिल जाती है, तो यहाँ पे वर्जन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका कौन सा वर्जन का स्मार्ट वॉच है। उसके बाद यहाँ ऐप डाउनलोड करने का क्यूआर कोड मिल जाता है, तो इस क्यूआर कोड से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फीचर्स इसमें मिल जाती हैं। अब चलिए इसको फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ पे कॉलिंग फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं, एआई वॉइस को कैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से हम ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। ब्लूटूथ को हम जैसे ही ऑन करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस में हमारा स्मार्ट वॉच शो कर रहा है। सबसे ऊपर वाला यहाँ पे ये वाला स्मार्ट वॉच है जो एफ बी यहाँ पे शो कर रहा है BSW 053, और नीचे वाला फ्लेयर प्रो जो बैटक सीरीज का स्मार्ट वॉच है वो भी मेरे पास है, तो यहाँ पे सर्च में आ रहा है। उसके ऊपर मैं कल ही वीडियो बना के डाला हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको पेयर कर लेना है आपको, तो यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली हम इसको पेयर कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आ गया है तो इसको पेयर कर लेते हैं। पेयर करने के बाद देखिए यहाँ पे कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, तो यहाँ पे आपका जो है आप कॉल्स और ऑडियो दोनों ही आपके स्मार्ट वॉच में शो करेगा। तो सबसे पहले यूट्यूब चला के देखते हैं कि ऑडियो आता है कि नहीं आता है, तो वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि कितनी साउंड इसमें हमको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जिसकी साउंड है वो फुल है ब्लूटूथ की, यहाँ पे देखिए साउंड फुल है और इसकी साउंड आपको इतनी मिल जाती है। अब फ्रेंड्स अगर आपको साउंड अपने स्मार्ट वॉच में नहीं लेना है तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोन्स पे क्लिक करके और यहाँ पे मीडिया ऑडियो को आपको क्या करना है कि ऑफ कर देना है। उसके बाद अगर आप ऑडियो चलाइएगा तो यहाँ पे फोन में साउंड आएगी, आपके स्मार्ट वॉच में नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम कॉलिंग फीचर को टेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ फीचर सारे। ठीक है, और इसमें से फोन कॉल्स पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिसेंट कॉल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आपने किसी को कॉल किया होगा तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे डायल पैड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे डायल पैड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1 2 3 पे हम यहाँ पे कॉल लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉल लगाते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारे स्मार्टफोन में भी यहाँ पे शो कर रहा है हमारे फोन में भी। इस तरीके से आप यहाँ पे फोन लगा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, यहाँ पे रिसेंट कॉल में ये शो कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो जब आप ऐप से कनेक्ट करेंगे वहां से आप कॉन्टेक्ट सेव कर लेंगे तो यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। उसके बाद आप किसी को भी कॉन्टेक्ट से आप यहाँ पे कॉल लगा पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी फ्रेंड्स इसको हमने ऐप से कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी हम यहाँ पे एआई वॉइस को यूज कर पाएंगे, कॉलिंग फीचर को यूज कर पाएंगे। तो कॉलिंग फीचर को हमने बता दिया, अब एआई वॉइस को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एआई वॉइस पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे फोन में यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप किसी को भी कॉल लगवा सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है ओपन कैमरा,
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैमरे को भी यूज कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से कॉल लगवाना चाहते हैं तो जिसको कॉल लगवाइएगा उसका नाम सिंपली आपको यहाँ पे रखना है और कॉल लगा देगा। तो AI वॉइस को भी आप यूज कर पाएंगे और यहाँ पे आप म्यूजिक कंट्रोल कर पाएंगे। तो तीन फीचर आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके ब्लूटूथ के साथ और फीचर्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। टाइम सही करने के लिए फ्रेंड्स इसको ऐप से कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, इसमें आपको टाइम सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐप से कैसे कनेक्ट करना है और इसके सारे फीचर्स को कैसे यूज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।